Hey guys, welcome back to my channel. आज के टॉपिक है 5 secret tips जिसे आप अपनी इंग्लिश को 30 days में improve कर सकते हो. ये टिप्स सिंपल हैं बट हाईली इफेक्टिव. अगर आप सीरियसली इनको फॉलो करते हो तो आप 30 days के अंदर noticeable difference देख सकते हो. Let's get started. So now first, set daily English goals. सबसे पहले secret tip है अपने लिए छोटे realistic goals set करना. अगर आप 30 डेज में इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको रोज का एक टारगेट बनाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करो कि आज के दिन मैं 10 नए इंग्लिश वर्ड सीखूंगा या एक शॉर्ट आर्टिकल इंग्लिश में पढ़ूंगा. ये छोटे टारगेट आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प करेंगे और धीरे धीरे आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आज का गोल हो सकता है मैं आज एक इंग्लिश पॉडकास्ट सुनूंगा. सिंपल गोल्स एंड लर्न 5 न्यू वर्ड्स, वॉच 1 इंग्लिश वीडियो, प्रैक्टिस स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स. स्मॉल गोल्स आपको ओवरहेम्ड होने से बचाते हैं एंड प्रोग्रेस फास्ट होती है. एंड नंबर 2 इज प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरीडे. फ्लुएंसी के लिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ पढ़ते हो या सुनते हो बिना बोलने के तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, इसलिए आपको डेली बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. स्टार्ट विद सिंपल कन्वर्सेशंस. घर में अपने आप से इंग्लिश में बात करो या मिरर के सामने प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो टुडे आई विल स्पीक अबाउट माई डे इन इंग्लिश, या मैं आज के वेदर के बारे में इंग्लिश में बात करूंगा. जितना ज्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. एंड नंबर 3 इज सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश. आपको अपने आसपास इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि आप जितना हो सके इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ. इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो और इंग्लिश न्यूज सुनो. जब आप डेली इंग्लिश कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो आप नेचुरली ग्रामर और वोकैबुलरी पिक करने लगते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम कम मिलता है तो शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस या टेड टॉक्स सुनो, या फिर सुबह जॉगिंग करते वक्त एक इंग्लिश नॉटी बुक सुन लो. ये सब आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. एंड नंबर 4 इज यूज टेक्नोलॉजी टू योर ऑडियो एडवांटेज. आजकल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकते हैं. ड्यूलिंगो जैसे आप ऐप यूज कर सकते हो जिससे आप डेली थोड़ा थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस कर सको. गूगल ट्रांसलेट का यूज करो. जब कोई वर्ड समझ में नहीं आता आप अपनी राइटिंग को क्रमेटिकली जैसे टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फोन में इंग्लिश नोट्स लिखने की आदत डालो या किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैट करो. थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब भी इंग्लिश में ही एक्सप्लोर करो. टेक्नोलॉजी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है इंग्लिश सीखने में. एंड नंबर 5 इज फाइंड एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. ये सबसे पावरफुल टिप है. जब आप अपने इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर ढूंढते हो आप ज्यादा मोटिवेट फील करते हो. आप एक फ्रेंड फैमिली मेंबर या ऑनलाइन पार्टनर ढूंढ सकते हो, जैसे कि गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, जो आपको अकाउंटेबल रखेगा. हर दिन एक दूसरे से इंग्लिश में बात करो, ग्रामर चेक करो और एक दूसरे को इम्प्रूव करने में मदद करो. फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड कर सकते हो मैं और मेरा फ्रेंड हर सुबह एक दूसरे से 10 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे. इस तरह की कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस आपको फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों में हेल्प करेगी. बोनस टिप इज लर्न थ्रू फन एक्टिविटीज. एक बोनस टिप ये है कि इंग्लिश को बोरिंग सब्जेक्ट की तरह मत लो. लेस फन बनाने के लिए गेम्स खेलो लाइक स्क्रैबल या क्रॉस वर्ड्स. इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक फॉलो करो और इंग्लिश यूट्यूबर्स के फनी वीडियोस देखो. जब आप फन के थ्रू सीखते हो आप ज्यादा जल्दी और इफेक्टिव सीख पाते हो. तो ये थे मेरे 5 सीक्रेट टिप्स जिसे आप 30 डेज में अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो. रिमेम्बर, कंसिस्टेंसी इज द की. रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा. अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.